हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन गुरुकुल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। लाइन लाइन क्या होती है? ये डेफिनेशन है लाइन की। पहले मैं इसे रीड आउट कर देन आपको मैं बताऊँगी कि लाइन क्या होती है। अ लाइन इज स्ट्रेट एंड कॉन्टिन्यूस बोथ द डायरेक्शन। इट हैज़ नीदर अ स्टार्टिंग पॉइंट नोर एन एंडिंग पॉइंट। लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट होती है जो कॉन्टिन्यू बढ़ती चली जाती है दोनों डायरेक्शन में। सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, दोनों डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है। इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। ये बढ़ती ही चली जाती है दोनों डायरेक्शन में। हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। इसको हम ज्योमेट्री के फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर ऐसे एक लाइन और दो एरो। जो ये दो एरो हैं वो क्या डिनोट करते हैं? जो दो एरो है वो ये डिनोट करते हैं कि ये एक्सटेंशन, ये दो एरो हैं ये हमेशा एक्सटेंशन को डिनोट करेंगे कि ये इस डायरेक्शन में भी कितना ही हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसको इस डायरेक्शन में भी कितना ही बढ़ा सकते हैं। तो जो लाइन होती है उसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। हम इसको कितना ही आगे बढ़ाते चले जा सकते हैं। आगे है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट और पोर्शन ऑफ लाइन विद टू एंड इसको लाइन सेगमेंट। जो ये लाइन सेगमेंट है ये भी एक पार्ट है, पोर्शन है लाइन का ही, लाइन का ही एक हिस्सा है। लेकिन इसके दो एंड होते हैं। दो एंड कौन से होते हैं? इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें गिवन होता है और इसका एंडिंग पॉइंट भी हमें गिवन होता है। इसको इसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके दो एंड जो है वो गिवन होते हैं। दैट मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी गिवन है और जो एंडिंग पॉइंट है वो भी गिवन है। अब इसको हम ऐसे शो करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर ऐसे एक लाइन डाल देंगे। इस लाइन को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ कोई एरो नहीं है। यहाँ एरो क्यों नहीं है? क्योंकि जो एरो है वो हमेशा ही एक्सटेंशन को शो करते हैं। किसको शो करेंगे एरो? हमेशा ही एक्सटेंशन को। लेकिन लाइन सेगमेंट के तो हमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट पता होते हैं। दैट्स वाई इसका यहाँ पर एरो नहीं आएगा। एरो आते ही वो लाइन बन जाता है और विदाउट एरो लाइन सेगमेंट होता है। अब मैं इसको एग्जांपल के जरिए और क्लियर करती हूँ लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब आप एक ट्रायंगल देखोगे। अभी जो ट्रायंगल है इसकी साइड्स हैं, आप खुद सोचिए और बताइए जो ट्रायंगल है इसकी साइड्स है किससे बनी है? लाइन से बनी है या लाइन सेगमेंट से बनी है? सोचिए थोड़ा वीडियो पॉज कर। ये जो ट्रायंगल है इसकी जो तीनों साइड है वो लाइन सेगमेंट से बनी है। क्यों बनी है लाइन सेगमेंट से? क्योंकि हम इनको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर हम इनको एक्सटेंड कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। शो होगा या नहीं होगा? तो जब ये इस तरीके से शो होगा, जब इसकी तीनों साइड्स को हम एक्सटेंड कर देंगे तो ये ट्रायंगल की शेप तो नहीं रही, क्योंकि ये जो आगे बढ़ गई है ये इधर वाली साइड इधर बढ़ गई और बी वाली साइड इधर बढ़ गई है। तो ये जो ये है ये ट्रायंगल नहीं रहा। तो जो ट्रायंगल हो गया स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर का एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये एक स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल है। तो ये जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर्स की जो लाइनें हैं, जो साइड्स हैं, ये लाइन सेगमेंट से बनी है क्योंकि हम इनको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये अगर एक्सटेंड कर देंगे तो ये स्क्वायर रहेगा ही नहीं। तो ये जो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब है ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। ये एक डिफरेंस होता है लाइन और लाइन सेगमेंट में। लाइन में हम दोनों साइड्स को एक्सटेंड कर सकते हैं कितना भी, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है हम उसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं रे पर। रे क्या होता है? अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट। रे भी एक पार्ट ऑफ लाइन ही है। जैसे लाइन सेगमेंट भी एक पार्ट और पोर्शन ऑफ लाइन है, वैसे ही जो रे है वो भी एक पार्ट ऑफ लाइन है। लेकिन डिफरेंस क्या है लाइन सेगमेंट और रे में? जो लाइन सेगमेंट है उसके दो एंड होते हैं, टू एंड पॉइंट होता है। लेकिन जो रे होता है उसका वन एंड पॉइंट होता है, एक ही एंड पॉइंट होगा। मतलब उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा लेकिन जो एंडिंग पॉइंट है वो अनंत है, कॉन्टिन्यूस है। एक्सटेंड हम कितना भी कर सकते हैं। या तो हमें एंडिंग पॉइंट पता होगा और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अनंत है, कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम उसको। जब हमें एक एंड पॉइंट पता हो, खाली एक एंड पॉइंट पता हो, एक पॉइंट पता हो, तो उसको रे बोलते हैं। अब इसको ज्योमेट्री की फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे हम? ए बी के ऊपर
ऐसे जो एक लाइन कर एक तरफ एरो डाल देगा, जो एरो है वो एक्सटेंशन शो करता है, और ये सिर्फ इसका एक एंड पॉइंट होता है, इसलिए एक तरफ एरो नहीं आएगा, क्योंकि एक एंड पॉइंट तो हमें गिवन है, दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट हमें गिवन है, लेकिन एंडिंग पॉइंट उसका अनंत है, कॉन्टिन्यूअस है, चलता ही चला जा रहा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। अब आते हैं हम कॉलिनियर पॉइंट्स पर। व्हाट इज कॉलिनियर पॉइंट्स? कॉलिनियर्स, देयर आर थ्री और मोर पॉइंट लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जब एक ही प्लेन पर, एक ही लाइन पर हो, तब हम उसको कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे पी ए भी एक लाइन है, आप इसको देख बोलो, जैसे एलिजा जो ये है एक लाइन है, उसके ऊपर जो ये तीन पॉइंट हमें गिवन है, पी क्यू आर, मतलब एटलीस्ट मिनिमम तो तीन पॉइंट होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं बच्चों? कॉलिनियर पॉइंट्स। जब एक लाइन पर तीन पॉइंट हो मिनिमम, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, उस पॉइंट्स को हम कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। नाउ कम टू नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अब नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? थ्री और मोर पॉइंट्स आर नॉट लाई ऑन द सेम लाइन प्लेन इज कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट अगर हमें गिवन हो, लेकिन एक लाइन पर नहीं होने चाहिए वो पॉइंट। क्या कह रहा है? थ्री और मोर पॉइंट आर नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। तीन या तीन से ज्यादा अगर पॉइंट एक लाइन पर होंगे तो वो ऑब्वियस बात है वो कॉलिनियर पॉइंट बन जाएगा, लेकिन नॉन कॉलिनियर पॉइंट में तीन से कम कितने होते हैं? दो पॉइंट, यानी दो पॉइंट अगर एक लाइन पर होंगे तो उसको हम नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। ये एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंगल्स पर। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, मतलब जब दो रेज एक ही एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं। इसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था रे क्या होती है, एक एंड पॉइंट हमें गिवन हो और दूसरा हमें नहीं गिवन हो, उस कितना ही कंटिन्यू हो सकता है वो उस डायरेक्शन में। तो जो बी सी है वो रे हुआ या नहीं हुआ? सोचिए बच्चों, हुआ ना बी सी रे। अब ए बी को देखो, ए बी भी तो रे ही है, क्योंकि एक एंड पॉइंट है, और ये जो दूसरा जो ए पॉइंट है, इसको हम कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, एरो गिवन है। तो ए बी एंड बी सी आर द रेज ऑफ ए बी सी एंगल। तो क्या बोला था यहाँ पर एंगल की डेफिनेशन में? एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। इनका सेम एंड पॉइंट है या नहीं है? बी ए बी का ए बी कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? बी से। बी सी कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? बी से। तो जो बी है इसका सेम एंड पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट है, और जो ये एंड पॉइंट होता है हम इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। और जो रेज ऑफ एंगल होती हैं उनको हम आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं। मतलब जो ए बी है वो रे है, तो ए बी आर्म भी होगी, क्योंकि रे को ही हम आर्म ऑफ एंगल बोलते हैं। तो ए बी इज द आर्म ऑफ एंगल ए बी सी एंड बी सी इज ऑल्सो द आर्म ऑफ एंगल ए बी सी। समझ रहे हो बच्चों? और जो इनका कॉमन पॉइंट होगा, जहां से ये ओरिजिनेट हो रही होंगी, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो जो ए बी सी जो एंगल है उसमें ए बी और बी सी जो है रेज हैं, और रेज हैं तो यही आर्म्स भी हो गई, और जो बी है वो कॉमन पॉइंट है, और जो कॉमन पॉइंट होते हैं जहाँ से रेज ओरिजिनेट हो रही होती है, आर्म्स ओरिजिनेट हो रही होती है, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स ऑफ एंगल बोलते हैं। अब देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एंगल, दैट इज अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। अब इन सारे एंगल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ आया हो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है इस वीडियो में, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट को ख़त्म करने का प्रयास करूँगी, ट्राई करूँगी। थैंक यू।